चुनाव जो बदलते हैं देश की तस्वीर। लेकिन इन्हीं चुनाव के साथ जुड़ी होती है हमारी भी तकदीर। सरकार का विजन ये तय करता है कि भविष्य कितना सुनहरा होगा। लेकिन आपके और मेरे शहर के छोटे बड़े मुद्दे तय करते हैं चुनाव की रूपरेखा। और इसीलिए अब लोकसभा 2024 के चुनावी नतीजों तक मैं आपको राजनीति की एक बहुत दिलचस्प यात्रा पर लेकर चल रही हूँ। और हाँ, इस यात्रा के लिए आपको कोई बस, ट्रेन और फ्लाइट की जरूरत नहीं होगी। आपको सिर्फ करना क्या है, आपको न्यूज 18 इंडिया पर मेरे साथ देखना है बात चुनाव की। ये इंडिया का मैप इस वक्त मैं आपको दिखा रही हूँ, ये मैप आप देखिए। अब ये अलग अलग राज्य जो आपको दिख रहे हैं ना, इन्हीं की 543 सीटें तय करने वाली हैं कि कौन होगा भारत का प्रधानमंत्री। तो चलिए शुरुआत करती हूं एक सवाल के साथ। अगर इस वक्त मैं कहूं चुनाव, तो ये सुनते ही एक सबसे बड़ा मुद्दा आपके जहन में क्या आता है? राम मंदिर ही ना। अब वो है भी उत्तर प्रदेश में, यानी कि सबसे ज्यादा 80 लोकसभा सीटों वाला उत्तर प्रदेश। और कहा तो ये भी जाता है कि दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर ही गुजरता है, तो क्यों ना यहीं से की जाए शुरुआत। लेकिन क्योंकि बात अयोध्या की है और पूरा हिंदुस्तान राममय है, तो आज मैं 80 में से सिर्फ एक सीट की बात करूंगी, और वो सीट है अयोध्या। अब चूंकि समय चुनाव में बहुत कम भी रह गया है और सारे राज्यों जो इस वक्त मैंने आपको दिखाया ना, उसका चुनावी फैक्टर मुझे आपको बताना है, तो मेरी कोशिश ये होगी कि एक साथ कई सारी सीटों को आपके लिए मैं कवर करूं। लेकिन आज ये पहला एपिसोड अयोध्या, प्रभु श्री राम की जन्मभूमि को मैं समर्पित करती हूँ। भारतीय जनता पार्टी, जिसमें सबसे बड़ा चेहरा है मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनकी केंद्र में भी सरकार है और राज्य में भी है। वाराणसी से वो सांसद हैं और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा वो कर चुके हैं। ये सच है कि राम मंदिर के राजनीतिक फैक्टर के आगे अब विपक्ष के जो तमाम मुद्दे हैं वो बौने होते हैं। लेकिन फिर भी यूपी के मैदान में भारतीय जनता पार्टी के सामने आखिर है कौन, ये भी जरा जान लेते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगी सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस की। 2014 और 2019 में चुनाव हारे हैं। अब राहुल गांधी अपनी सांसदीय की सीट अमेठी भी हार चुके हैं। प्राण प्रतिष्ठा जब चल रही थी तो वो अपनी न्याय यात्रा पर निकले हुए थे। एक और चेहरा अखिलेश यादव का देख लीजिए, ये जीत का दम्भ भरते रहे हैं इससे पहले भी कई बार। इनके बारे में मैं आपको, यानी कि समाजवादी पार्टी के बारे में बताती हूँ। MY समीकरण पर चुनाव हमेशा ये लड़ते रहे हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। 2017 भी याद करिए, जब अपनी सत्ता योगी आदित्यनाथ के हाथ से वो हार चुके हैं। निमंत्रण इनको भी मिला था प्राण प्रतिष्ठा का, लेकिन उसके बाद भी नहीं पहुंचे, कह दिया कि आऊंगा लेकिन बाद में। अब एक और चेहरा है यूपी की राजनीति में, मायावती का। मायावती के बारे में, यानी कि बसपा के बारे में बताती हूँ। दलित वोट बैंक का ये बड़ा चेहरा है, विपक्षी है लेकिन इंडी गठबंधन से दूर है, और राम मंदिर पर कोई भी बयान मायावती की तरफ से नहीं दिया गया है। अब इन सब विपक्षी पार्टियों ने कभी मंडल कमंडल का दाव चला, कभी मुसलमान यादव किया, कभी मुसलमान दलित, लेकिन अब सब कुछ धाराशायी हो गया है। अब ढोल नगाड़े लेकर एकता का बखान करने वाले इंडी गठबंधन के पास उत्तर प्रदेश में राम मंदिर पर राजनीति करने के अलावा अब कुछ भी बचता हुआ दिखाई नहीं देता। अब देखिए, वैसे तो हमने हर बार किसी न किसी चुनाव में किसी न किसी पार्टी को धर्म के इर्द गिर्द चुनाव लड़ते हुए देखा है, लेकिन अब ये भी समझ जाइए कि अगर यूपी में किसी ने भी, चाहे वो बसपा हो, सपा हो, कांग्रेस हो या कोई भी विपक्षी पार्टी, अगर धर्म की बात की तो इसका फायदा भी भाजपा को ही मिल जाएगा। अब ऐसा क्यों मैं कह रही हूँ खास तौर पर अयोध्या के लिए, तो आपको ये भी समझाती हूँ। अयोध्या की आबादी पर जरा आप नजर डालिए, 79.73% हिंदू हैं, 19.26% मुसलमान हैं। अब ये भी तय है कि अगर इस वक्त जाति को किनारा करते हुए हिंदुओं ने राम मंदिर से प्रसन्न होकर एकजुट होने का फैसला ले लिया, चाहे जाति कोई भी हो, तो विपक्ष का खेल बिगड़ना तय मानिए। और हिंदू ही मैं क्यों कहूं, जिन मुसलमानों के नाम पर कई लोगों ने बरगलाया, जबरदस्त राजनीति की, अब उन मुसलमानों को भी तो जरा आप देख लीजिए। ये तस्वीर देखिए, इकबाल अंसारी मोदी पर पुष्प वर्षा कर रहे हैं,
वो तो बाबरी मस्जिद के पक्षकार रहे हैं ना, ये नाम आपने इससे पहले भी कई बार सुना होगा, सिर्फ इकबाल अंसारी क्यों, ये देखिए। सनातनी मुस्लिम शबनम शेख अयोध्या की पदयात्रा पर निकल गई, ये तस्वीर अपने आप में हजारों शब्द बता रही है। हाथरस में भी देखिए बाइक रैली निकाली जाती है और फूल कौन बरसा रहा है, मुसलमान। अब आप बताइए कि क्या प्रमाण हो इस बात का कि अब मुसलमान भी योगी और मोदी के साथ हाथ मिलाकर खड़े हैं। अब आइए इसी उत्तर प्रदेश की यात्रा में आप मेरे साथ थोड़ा सा पीछे भी चलिए। 2014 में जब जबरदस्त मोदी लहर थी, उसी के नतीजे अब मैं आपको याद दिलाती हूँ। केंद्र की कांग्रेस के साथ साथ यूपी में सारी विपक्षी पार्टियों के आशियाने नरेंद्र मोदी ने उस चुनाव में जब जबरदस्त मोदी लहर थी तब धाराशाही कर दिए थे। 2014 लोकसभा चुनाव के नतीजों पर नजर डालिए, जहां यूपी में 80 में से 71 सीटें अकेले भारतीय जनता पार्टी ने जीती, समाजवादी पार्टी 5 और कांग्रेस 2। बसपा का आप देखिए, इतनी बड़ी पार्टी खाता भी नहीं खुल सका। अब फिर 2017 का समय आया जब मोदी और योगी की जोड़ी बहुत सुपरहिट हुई और नतीजा डबल इंजन की सरकार बन गई। 14 के बाद 2019 के भी आंकड़े मैं आपको दिखा देती हूँ। 2019 के चुनावी नतीजे उस वक्त क्या आए थे ये भी आप देखिए। तो वो वक्त था जब बुआ बबुआ साथ में आ गए थे, भारतीय जनता पार्टी को 62 सीट मिली थी, सीटों में कमी आई लेकिन वोट फीसद बढ़ गया था और जानकारी ये है कि 50 के करीब ये वोट फीसद पहुंच गया था। समाजवादी पार्टी 5, बसपा 10 और कांग्रेस को इस बार 1 सीट मिलती है। लेकिन अब बारी है 2024 की। अब विपक्ष चाहे कहता रहे कि भाजपा श्रीराम पर राजनीति कर रही है, लेकिन सच्चाई ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब राम पथ पर चल पड़े हैं और बिल्कुल एक राम भक्त की ही तरह, फिर चाहे वो प्राण प्रतिष्ठा हो या फिर दक्षिण भारत में अनुष्ठान के दौरान रामायण कांड से जुड़े मंदिर में दर्शन पूजन करना हो, वो तस्वीर पूरे हिंदुस्तान ने देख ली है। राम पथ के सहारे या विजय रथ ये आगे बढ़ता रहेगा, ये तय जरूर नतीजों के साथ हो जाएगा। और इन्हीं चुनावी नतीजों तक आपसे किए वादे के मुताबिक आपके लिए मैं लेकर आऊंगी लोकसभा की पूरी गणित, आप जानते हैं ना किसमें, बात चुनाव की। जी हाँ, थैंक यू सो मच, सी यू अगेन।